नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के तीन थियरीज को कवर करेंगे। बची हुई तीन थियरीज को कवर करेंगे, ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का लास्ट पार्ट है। शुरुआत करते हैं थॉमस होब्स परसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। थॉमस होब्स वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर। ही रोट अ फेमस बुक कॉल्ड लेवियाथन। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फो है, आप इसको बोल्ड में डाल देना। लेवियाथन बुक का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। His theory is highly unfair and rather considered as cowardly, but it has a reason. He developed this theory when he was 60 years old and saw a great bloodshed during the English Civil War against the monarchy. So he developed this theory in which he said that people should only revolt against the government if it results in bloodshed. तो थॉमस होब्स एक ब्रिटिश फिलोसोफर था, उसने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है लेवियाथन। उसकी थियरी बहुत ही अनफेयर मानी जाती है फॉर सिटीजन्स, और बहुत ही फेवरेबल है गवर्नमेंट के लिए, क्यों, और उसको कई कभी कभार उसको एक कावर्डली इंसान भी माना जाता है, डरपोक इंसान भी माना जाता है। लेकिन उसका भी एक रीज़न है। जब वो 60 साल का था तब उसने ये थियरी डेवलप की थी, और उस दौरान इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था पार्लियामेंट के अगेंस्ट, और पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में। सिटीजन्स जो थे वो पार्लियामेंट के सपोर्ट में थे और मोनार्की के सपोर्ट में थे एरिस्टोक्रेट्स। तो इन दोनों के बीच में सिविल वॉर हुआ था और करीब 2 लाख लोग मारे जा चुके थे। तो उसे इसी वजह से थॉमस होब्स के मन में डर बैठ गया ब्लड शेड से रिलेटेड, ब्लड शेड को लेकर। सो ही डेवलप दिस थियरी इन विच ही सेड दैट पीपल शुड ओनली रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ़ इट रिजल्ट इन ब्लड शेड। यानी अगर हमारे जान पे बन आए तो ही हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करना चाहिए। तो इसलिए थॉमस होब्स को एक डरपोक इंसान माना जाता है। तो थॉमस होब्स की थियरी है इस प्रकार से। इन द प्रिमिटिव स्टेजेस द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वॉज वेरी शॉर्ट। इवेंचुअली ही बिगैन टू लिव इन अ ग्रुप एंड विच हैड अ लीडर। दिस कॉन्सेप्ट इवॉल्व्ड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट गेव अस अ स्टेबिलिटी टू द पीपल एंड इट प्रोटेक्टेड द सिटीजन्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड नेचुरल डिजास्टर्स। इन रिटर्न citizens should oblige the rules and regulations of the government even if they are oppressive as long as it does not result into bloodshed. However, if the laws of the government are so unjust that it results into bloodshed, then only people should revolt against the government and overthrow it. Because government gives us stability, we should not overthrow the government as long as it does not result into bloodshed. Yani थॉमस होब्स कहता है कि पुराने ज़माने में, स्टोन एज में, ह्यूमन बीइंग की लाइफ बहुत ही शॉर्ट थी। तो उसने ग्रुप में रहना चालू किया और ग्रुप में एक ताकतवर मेंबर था जिसको हम लोग लीडर मानते थे, या फिर उस ग्रुप के लोग लीडर मानते थे। और इवेंचुअली इसी कॉन्सेप्ट से गवर्नमेंट इवॉल्व हुआ। और गवर्नमेंट कैसा भी हो, गवर्नमेंट ने हमें स्टेबिलिटी दिया, गवर्नमेंट ने हमें एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाया, इंटरनल एग्रेशन से बचाया, रायट से बचाया, और एक स्टेबिलिटी दी, इकोनॉमी को सुधार दिया। तो बदले में सिटीजन्स को भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओब्लाइज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, इवन इफ दे आर ऑप्रेसिव एज लॉन्ग एज इट डज नॉट रिजल्ट इनटू ब्लडशेड। यानी हमारी जान पर जब तक ना बनाए तब तक हमें गवर्नमेंट को ओब्लाइज करना चाहिए, और जब तक हमारी कंडीशन प्रिमिटिव स्टेज से ज़्यादा अच्छी है तब तक हमें गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करता है। ये थियरी थी थॉमस होब्स की। ये बहुत ही अनरीजनेबल और अनजस्ट थियरी है, लेकिन इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि उसने 2 लाख मौतें सामने देखी है, इसीलिए वो एक डरपोक इंसान बना और उसके मन में एक डर बैठ गया। सो थॉमस होब्स की थियरी थी थॉमस होब्स परसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है। दिस थियरी स्टेट्स दैट द रूलर कैनॉट टेक अवे द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नो मैटर व्हाट हैपेंस। सिटीजन्स हैव वॉलेंटरीली सीडेड सम ऑफ देयर पर्सनल राइट्स टू द गवर्नमेंट एंड हेंस गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। Government is a service provider and people are the customers of the government. Citizens should show political obligation to the government if and only if the government is working to protect their interest.
यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें सिटीजन्स ने वॉलेंटरीली अपने जो राइट्स है उनमें से एक पार्ट को गिव अप किया है, और ये सारे सिटीजन्स ने अपने पॉलिटिकल राइट्स का एक हिस्सा गिव अप किया है और गवर्नमेंट को वो पावर प्रदान की है। तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है अपने सिटीजन्स का ख्याल रखना, उनको बहुत ही अच्छी चीज़ें करना, पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए जब तक गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रहा है तब तक ही सिटीजन्स को यह पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन दिखाना चाहिए गवर्नमेंट को, एंड इफ एंड ओनली इफ द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, यानी गवर्नमेंट जब तक उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है तब तक ही सिटीजन्स को गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन दिखाना चाहिए। जब गवर्नमेंट उनके वजूद के ऊपर उठ जाए तो सिटीजन्स को उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर गवर्नमेंट उनके खिलाफ काम कर रहा है तो सिटीजन्स को पूरा अधिकार है उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का और गवर्नमेंट को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ना दिखाने का। तो ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार आता है, T.H. Green's views on obedience to unjust laws. What is an unjust law? इसके बारे में पहले हम लोग जान में रखते हैं। तो T.H. Green ने बताया कि unjust law क्या है। An unjust law is a law which cannot be justified, a law which makes the citizens suffer and ends them into trouble. An unjust law is no law, a law which is passed by the government in order to satisfy the handful people in the elite class when the majority of the society is suffering is also considered as an unjust law. According to T.H. Green, people should resist unjust law by peaceful and non-violent protest. T.H. Green was a British thinker and he strongly supported the individual right to resist. तो ये सारे जो thinkers हैं आपके political science के syllabus में, इसमें से ज़्यादातर ब्रिटिश थिंकर्स है। आप रूसोस परसेप्शन ऑफ जनरल विल भी देखना, रूसो एक फ्रेंच थिंकर है और रूसोस परसेप्शन ऑफ जनरल विल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी है, आपको एग्जाम में आ सकती है। सो अनजस्ट लॉ के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। T.H. Green ने बताया कि अनजस्ट लॉ क्या है। T.H. Green ने बताया कि एक ऐसा लॉ जिसे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसको हम लोग बोलेंगे अनजस्ट लॉ, यानी एक ऐसा लॉ जो सारे सिटीजन्स को सफरिंग में लाता है और उनको ट्रबल में लाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक अनजस्ट लॉ। सो अनजस्ट लॉ इज अ नो लॉ, यानी अनजस्ट लॉ, अगर कोई कानून अनजस्ट है तो उसे हम लोग कानून का दर्जा भी नहीं देना चाहिए, वो कानून का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अ लॉ विच इज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द एलीट क्लास, ये मेरे ख्याल से हर कंट्री में होता है, कुछ उद्योगपतियों को खुश करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कानूनों को पास करती है, तो वो भी एक प्रकार का अनजस्ट लॉ है, तो उसे भी हम लोग को पास नहीं होने देना चाहिए, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, प्रोवाइडेड द प्रोटेस्ट शुड बी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। तो T.H. Green जो था वो ब्रिटिश थिंकर था और इंडिविजुअल राइट टू रेजिस्ट का बहुत ही बड़ा समर्थक था, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी, एज लॉन्ग एज द प्रोटेस्ट इज नॉन वायलेंट एंड पीसफुल गवर्नमेंट हैज नो राइट टू कर्ब द सिटीजन्स। इसने आगे कहा, ही सेड फर्दर दैट सिटीजन्स शुड रेजिस्ट एवरी अनजस्ट लॉ बट द रेजिस्टेंस शुड बी नॉन वायलेंट एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। According to T.H. Green, overthrowing a government because of unjust law is not a solution as it would result into anarchy and chaos. Revolution or overthrowing a government should only be the very last step of the protest. If and only if there are no other constitutional means of resistance, then only citizens should revolt against the government. ये मुझे एक बहुत ही बैलेंस थियरी लगती है, क्योंकि उसमें T.H. Green ने कहा गया है कि हमारा प्रोटेस्ट करना एक राइट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट ये जो प्रोटेस्ट है वो नॉन वायलेंट होने चाहिए, पीसफुल होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से होने चाहिए। T.H. Green के हिसाब से ओवरथ्रोइंग अ गवर्नमेंट इज़ अ वेरी ड्रास्टिक स्टेप और ये वेरी लास्ट स्टेप होनी चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोटेस्ट की। अगर हमारे पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ना रहे तो ही हमें इस स्टेप को अडॉप्ट करना चाहिए।
Revolution or overthrowing a government should be the very last step of the protest. If and only if there are no other constitutional means to resistance, then only the citizens should revolt against the government. तो आपकी political obligation की सारी theories cover हो चुकी है. आशा करता हूँ आपको ये lecture पसंद आया होगा. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.